लगभग एक महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कई सामाजिक संगठन किसानों की मदद कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता वैभव मिश्रा की सिंघू बॉर्डर से खास बातचीत, देखिए। 26-27 वो तारीख जब ऐलान किया गया कि किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और एक प्रदर्शन महा आंदोलन की शक्ल में करेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये था कि इस आंदोलन को कैसे लगातार जारी रखा जाएगा, कैसे इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाया जाएगा। तो उसका जवाब आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते होंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग इस आंदोलन में सेवा भाव के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तमाम तरह के लोग जितनी उनकी क्षमता होती है उस हिसाब से लोग यहाँ पर सेवा और सहयोग कर रहे हैं। कहाँ से ये सेवा और सहयोग आई है मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये सेवा जी साउथ हॉल इंग्लैंड से आई है और दिल्ली में हमारा गड़ी गुरुद्वारा साहब है स्टॉप क्लास में, वहाँ से आई है। और वॉशिंग मशीन भी हमने दी है और हमारी जो गड़ी की संगत है स्टॉप क्लास की, उन्होंने माया पैसा भी कैश मतलब की सेवा दी है। अच्छा, ये प्रदर्शन अगर लंबे वक्त तक चला तो क्या आगे भी आप तैयार हैं? आगे तक जितने टाइम तक चले, हमारी सारी संगत दिल्ली की नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की, इंडिया की सारी साथ में है जी किसानों के लिए। हम लंबे अरसे से भी लंबे अरसे तक तैयार हैं और जो भी हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो सिख धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम हो, कि आपने जो भी सेवा करनी है वहाँ जाके करिए या किस तरह से। अब ये जो है इंग्लैंड से हम तो नहीं जाके ला सकते थे, लेकिन अपनी तरह से सेवा भेजिए, हमारे को पता लगा और उन्होंने कहा कि ये सेवा किसानों तक पहुँचानी है। और सारी इसमें सैनिटाइजर भी हैं, इसमें वॉशिंग मशीन भी है, कैश है 11,000 रुपये जो गढ़ी इलाके की संगत ने इकट्ठा किया है, वो सारा कैश हम स्टेज पर देंगे और उनके साथ ये सामान भी देंगे। और जो यहाँ के मंजीत सिंह जी के हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ी मदद करी है। आज हम 60-70 आदमी जो है बस लेके पूरी आए हैं यहाँ पे किसानों की, उसके लिए कि इनको भी जोश रहे, बरकरार रहे। और इसके साथ कृपानों की भी सेवा है, जो गात्र तरपाल भी हैं, जो तरपाले हैं जिनके पास काम है, ये वो भी सेवा है उनके साथ। और इस तरह की आगे भी पहले भी हम 4-5 बार आ चुके हैं। किसानों की आवाज भी जनता टीवी लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहा है आप तक, और सबकी आवाज यही है कि इन तीनों कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ मैं वैभव मिश्रा, जनता टीवी।